आज ब्रज विश्वविद्यालय की जो 2020 की परीक्षाएं शेष रह गई थी कोविड-19 के कारण से, उनका परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दिया है। कोरोना के कारण से जो विशेष ध्यान रखे गए हैं, सेफ कैंपस टास्क फोर्स का गठन हमने किया था, सरकार से UGC से प्राप्त निर्देशों और माननीय उच्चतम न्यायालय के प्राप्त आदेशों के आलोक में हमने यह नया कार्यक्रम तैयार किया है। पहले जहां एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 2 फीट की दूरी पर परीक्षा दे लेता था, अब 2 विद्यार्थियों के बीच में हमें कुल 2 गज का अंतराल रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों, जो सभी विश्वविद्यालय परिवार के अंग हैं, सबका ध्यान रखते हुए हमने ये स्कीम तैयार की है। यह परीक्षा अब 3 पारियों में होगी। केवल तृतीय वर्ष स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के साथ साथ इन्हीं विद्यार्थियों के, अगर उनके पहले की किसी कक्षा की ड्यू पेपर रह गई है, तो उनकी भी परीक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन लेने जा रहा है। पहली पारी की परीक्षा 8 से 10 बजे प्रातःकाल की होगी, जिसमें स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। दूसरी पारी की परीक्षा में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष के विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जो 12 बजे से 2 बजे तक होगी। यह परीक्षा 23 सितंबर से शुरू होकर के 19 अक्टूबर को संपन्न होगी। तीसरी पारी में इन्हीं विद्यार्थियों के, चाहे स्नातक का हो या स्नातकोत्तर का हो, अगर उसकी कोई परीक्षा पास होने से पहले की रह गई है, तो उसकी परीक्षा सायंकाल की पारी में 3 बजे से 5 बजे तक संपन्न होगी। यह परीक्षा 19 सितंबर से शुरू होकर के 12 अक्टूबर को हम संपन्न कर लेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हमें UGC से इसके लिए एक परमिशन भी लेनी होगी, क्योंकि UGC का कहना था कि 30 सितंबर तक परीक्षा संपन्न कर ली जाए, लेकिन हमारी कुछ अपनी व्यवस्थाएं थी, कुछ कोरोना के कारण से हमारे लगभग 15 अधिकारियों कर्मचारी जो कोरोना ग्रसित हो गए थे, उनके भी हम काम पर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, काम प्रभावित हुआ है। इन सभी परिस्थितियों के कारण से ये परीक्षा 19 अक्टूबर पर तक जा रही है, 31 अक्टूबर तक जा रही है, और 31 अक्टूबर को ये परीक्षा हम संपन्न कर लेंगे। इसके लिए हमें एक अनुमति लेनी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हम एक पत्र लिख रहे हैं, अनुमति प्राप्त होते ही यह परीक्षा हम आरंभ कर देंगे। विश्वविद्यालय परिवार इस परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी एक सुरक्षित तरीके से लेने में जुटा हुआ है।